लास्ट हफ्ते वाला जो टॉपिक चल रहा था वो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के बारे में चल रहा था, और मैंने आपको कहा था ये टॉपिक काफी लंबा है और इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आज ही क्लास में हम हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन को यार डिस्कस करते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन यानी HB और MB, इसके बारे में आपको बताया था कि दोनों जो है उसमें हायर प्रेशर पे तो जो बिल्डिंग पावर है ऑक्सीजन के लिए वो इक्वल रहती है, यानी हाई प्रेशर पे HP हो या MP हो इक्वल कैपेसिटी रखता है O2 के साथ जुड़ने की, लेकिन मसल्स में जहाँ पर लोअर प्रेशर रहता है वहाँ पर HP इजीली बिल्ड नहीं हो पाता है O2 के साथ, यानी जो ऑक्सीजन उसके पास पहले से थी उसको वो रिलीज कर देगा, या मैं कहना चाहूँगी कि ट्रांसपोर्ट कर देगा मायोग्लोबिन को। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ने फर्स्टली क्या किया कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन जो मौजूद है वो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है और आगे उसको ट्रांसपोर्ट करता रहता है जब तक हाई प्रेशर के कंडीशन में है। जैसे ही मसल्स तक पहुंच जाता है तो वहाँ पर प्रेशर डाउन हो जाता है, तो मायोग्लोबिन के पास कैपेसिटी नहीं रहती है वहाँ पर कि ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़े रखे, वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है मायोग्लोबिन को, और मायोग्लोबिन का काम है फर्दर आगे उसको यूज करना मेटाबॉलिक रिएक्शन में ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराने का। ठीक है, तो इसी चीज को हम समझेंगे एक बेंडिंग कर्व के थ्रू कि किस तरह का बेंडिंग कर्व होता है और उसमें हमें ज्यादा क्लियरली ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। HP बिल्डिंग कैपेसिटी टुवर्ड O2
हाई प्रेशर की कंडीशन में जहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन जो मसल्स है उसमें प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, कम मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित रहती है वहां पर, तो उस वाली कंडीशन में जो एचपी है उसकी बिल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन अपनी जो ऑक्सीजन है उसको दे देता है मायोग्लोबिन को, ठीक है, एमपी को दे देता है। अब मैं एमपी जो है वो फर्दर इस ऑक्सीजन को यूज करता है किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में, ठीक है, प्रोवाइड कराता है या फिर यूज करवाता है। तो देखिए रीजन यहाँ पर ये है कि हीमोग्लोबिन अपनी मायोग्लोबिन अपनी जो ऑक्सीजन है उसको मायोग्लोबिन को ट्रांसफर करना है, तो रीजन ये है कि देखिए हाई प्रेशर पे तो अपने पास रखता है, लेकिन जहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होता है वहां पर उसके पास बिल्डिंग कैपेसिटी नहीं बचती है, इसलिए उसे वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कराना पड़ता है मायोग्लोबिन को, और मायोग्लोबिन का काम है इसको स्टोर करना और आगे मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाना, ठीक है, तो इसको नोट करें। इसके बाद हम कर्व देखेंगे, किस तरह से हम कर्व के बेसिस पे देख सकते हैं कि बिल्डिंग कर्व का क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्डिंग कर्व के बारे में। कम पीएच में क्या होता है कि मायोग्लोबिन, सॉरी कम
अभी मैं आपको करवाने वाली हूँ, ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बेंडिंग कर्व क्या है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के साथ। नेक्स्ट ग्राफ की उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है कई बुक्स में नहीं दिया गया है, जब तक आप ग्राफ नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हाई प्रेशर और लोअर प्रेशर के किस तरह से वेरिएशन यहाँ पर रहता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बेंडिंग की कैपेसिटी में। किसी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की यहां पर जीरो है 20, 40, 60, 80 और ये कंप्लीट हो गया 100। ठीक है, कितने के ऊपर आपको ये लाइन देनी है इसे। और अगर नेगेटिव ही जाएगी तो आप अपनी कॉपी में सही कर लेना, 40 के ऊपर 40 को मैच कर दें और 100 के ऊपर आपको 100 मैच करना है। ठीक है, ऊपर का क्वेश्चन मुझे यहाँ से मिलना पड़ेगा।
तो फिगर किस चीज़ का है? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर तीन कर्व आपको नजर आ रहे हैं। एक को मैंने डिनोट किया है सॉलिड लाइन से, जिसमें स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब एक डार्क लाइन जो शो हो रही है वो ऑक्सीजन बेंडिंग कर्व है हीमोग्लोबिन का। इसके बाद नेक्स्ट है डॉटेड लाइन में, यानी इन दोनों जो कर्व हैं, एक तो सॉलिड और एक ब्रोकन लाइन वाला जो कर्व है, उसमें जो एक डॉटेड कर्व आ रहा है वो डिनोट कर रहा है इफेक्ट ऑफ पीएच। तीसरा और लास्ट कर्व है ऑक्सीजन बेंडिंग कर्व ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लंग्स में हाई प्रेशर होता है, इसकी वैल्यू नीचे आपको बता रही है 100 वैल्यू है ऑक्सीजन की प्रेशर की। ठीक है, और यहाँ पर बिल्डिंग कैपेसिटी में कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, जबकि प्रेशर जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे बिल्डिंग कैपेसिटी भी घटती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हीमोग्लोबिन का तो आप इजीली समझ गए होंगे। नेक्स्ट पीएच के लिए है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे शो हो रहा है पीएच 7.6 और पीएच 6.8। इसका हमने यहाँ पर ये कर्व देखा है, इस तरह से ये मेंशन होगा। अगला कर्व है मायोग्लोबिन के लिए जो कि है लास्ट वाला कर्व जिसे हमने ब्रोकन लाइन से डिनोट किया है। देखिए यहाँ पे बस एक बेसिक चीज ये है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी होती है, जबकि जो मायोग्लोबिन होता है वो तो ऑक्सीजन जब तक हीमोग्लोबिन के पास है उसके बाद मायोग्लोबिन के पास आती है। ठीक है, तो वो एक मायोग्लोबिन जो है उसका काम स्टोरेज का होता है, जबकि हीमोग्लोबिन का काम जो होता है वो ट्रांसफर का काम है। साइड में मैंने लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की क्या प्रतिशत है, और नीचे लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2।
ठीक है, जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ये वाली कंडीशन जब होती है, पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, जब इसके पास ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये आ जाता है एटी थर्ड में, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया, मैंने तो हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है एपी सेकेंड, इसमें बिंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ले सकता है ऑक्सीजन के साथ, ये जुड़ सकता है, लेकिन एपी थर्ड में बिंडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसके पीछे रीजन ये होता है, देखिए हमें पता है जो नेम सब होता है, नेम ग्रुप जो होता है उसमें एक ऑक्सीजन को जोड़ने की एबिलिटी होती है। जब उसने ऑलरेडी एक ग्रुप को जोड़ लिया है, ऑटो ग्रुप को जोड़ लिया है, तो वो आगे और ऑटो ग्रुप को अपने साथ नहीं जोड़ सकता है। इस वजह से आगे है ग्रुप किसी ऑक्सीजन को पहले से बिंड नहीं करेगा, ना ही उसको ट्रांसपोर्ट कर सकेगा, ठीक है। तो बिंडिंग कैपेसिटी और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है डीऑक्सी हेम समूह, ठीक है। जहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है हेम ग्रुप के पास, यानी एपी सेकेंड या एपी प्लस टू ही आगे ऑक्सीजन को बिल्ड कर सकता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, ना कि एपी थर्ड जो ऑलरेडी एक ऑक्सी ग्रुप है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप नोट कर लें। बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी भी कंप्लीट एक टॉपिक नहीं आएगा आपके पास, कुछ भी पूछ सकते हैं, वो स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है या कोई और क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है। तो किस प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा हम नहीं जज कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको उसको यूज करवा देती हूँ। एपी ऑफ आयरन, एपी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन Yeah.
then it will not have oxygen bending ability and transportation हर क्वेश्चन कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जिसको आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पता होना चाहिए। लेकिन घरों में सर्दियों के टाइम ये कहा जाता है कि घर में अमीनी पता होगा आपको मिट्टी क्या होती है उसको जला के खिड़कियां बंद करके नहीं सोना चाहिए। ये चीज आपने कहीं सुनी होगी तो उसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए वो एक हानिकारक चीज है। जब अमीनी रात में जलाई जा रही है और सारी खिड़की दरवाजे बंद है तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लेकिन जब अंगीठी चलाई जाती है तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इनहेल करेंगे यानी हम उसको रेस्पिरेशन इसका होगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में आयरन से ज्यादा बंद होने की कैपेसिटी होती है O2 के कंपैरिजन। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन से इजीली बंद हो सकता है, उसमें ज्यादा कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि वो आयरन से बंद हो सके इन द कंपैरिजन ऑफ O2। जब हीमोग्लोबिन के साथ यानी आयरन हीमोग्लोबिन की आयरन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगा तो वो ऑक्सीजन को आगे ना तो जोड़ पाएगा ना ही उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा यानी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या होगा? उसका रीजन तो आपको पता ही होगा कि क्या हो सकता है उसके बाद। तो ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है अगर जलाने में वो किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से हम जो ऑक्सीजन रिलीज इनहेल करना चाह रहे थे उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं और इनहेल करने की वजह से हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में उसके आयरन के साथ जुड़ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आगे चल के जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट तो होने नहीं देगा, उसको तो जुड़ने नहीं देगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा उसमें रह जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा। पहले तो उसको नोट करें उसके बारे में बता देती हूँ। नेक्स्ट
आगे फर्दर ऑक्सीजन का तो ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी जुड़ गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को आगे नहीं कैरी कर सकते हैं, उसको नहीं स्टोर कर पाएंगे, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से यह टॉक्सिक इफेक्ट शो होता है इन कंपाउंड्स का। कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से हीमोग्लोबिन पे टॉक्सिक इफेक्ट करते हैं, ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शब्दों में लिख देना, पहले कभी शब्दों में लिखा है, ठीक है। थैंक यू।